वेलकम टू ई टाउन न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट। अ शो व्हिच गिव्स यू द डेज लोडाउन ऑफ ऑल द बेस्ट हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड ऑफ ग्लैमर। तो इंतजार किस बात का, लेट्स टेक अ लुक एट टुडेज हेडलाइंस। सुशांत सिंह राजपूत केस में सलमान खान से नहीं की जाएगी पूछताछ। दीपिका पादुकोण ने शेयर की अपनी पोस्ट लॉकडाउन बकेट लिस्ट। बिपाशा बासु ने क्यों की सभी शूट्स को कैंसिल करवा देने की डिमांड। सोनम कपूर को एक बार फिर सोशल मीडिया पर फेस करना पड़ा क्रिटिसिज्म। शबाना आजमी ने क्लैरिफाई किया कि उनकी फैमिली में सभी लोग हैं सेफ और जोया अख्तर भी ऑनगोइंग वायरस से नहीं है अफेक्टेड। सुशांत सिंह राजपूत केस में सलमान खान से नहीं की जाएगी पूछताछ। मुंबई पुलिस ने सलमान खान से पूछताछ की न्यूज और उन्हें समन भेजने के रूमर को बताया गलत। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की ट्रेजिक डिमाइस से सोशल मीडिया पर सलमान खान को भी सुशांत के स्टेप के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा था और सलमान खान की जमकर ट्रोलिंग हो रही थी। लेकिन खुद सलमान खान ने एक पोस्ट शेयर करके अपने फैंस से कहा था कि वो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस और उनकी फैमिली को सपोर्ट करें। मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती से लेकर सुशांत की फैमिली और उनके हर एक करीबी से भी पूछताछ की है। यहाँ तक की फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली से हाल ही में पुलिस ने की पूछताछ और ऐसा कहा जा रहा था कि सलमान खान का नाम भी उस लिस्ट में शामिल है जिनसे पुलिस पूछताछ करने वाली है। लेकिन अब मुंबई पुलिस ने इस न्यूज को गलत बता दिया है। वैसे पुलिस ने सलमान खान की एक वक्त पर मैनेजर रही रेशमा शेट्टी से जरूर इस मामले में पूछताछ की है। वैसे ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि मुंबई पुलिस की जाँच आखिरी चरण में है और लगभग 10 से 15 दिन में मुंबई पुलिस इस मामले में अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश कर सकती है। इससे पहले बिहार के एक कोर्ट ने सलमान खान, करण जौहर और कुछ सेलेब्स के खिलाफ फाइल किए गए मामले को रिजेक्ट कर दिया था। कोर्ट का कहना था कि ये मामला उनके ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। सुशांत सिंह राजपूत के कुछ फैंस और सेलेब्स लाइक शेखर सुमन इस मामले में सीबीआई जांच की डिमांड कर रहे हैं। यही नहीं, हाल ही में जाने माने पॉलिटिशियन सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा था कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। राजपूत की वो भी ये संदेह दूर होना चाहिए, सदा नहीं होनी चाहिए संदेह कि हुआ कि नहीं हुआ, स्वबहस चली, आरोप प्रति आरोप चले। तो मैं ये समझता हूँ कि सबको तय हो जाना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए कि एक जांच होनी चाहिए और सीबीआई की होनी चाहिए। नहीं मानेंगे तो कोर्ट में जाएंगे। लेकिन मुंबई पुलिस ने इस मामले में साफ किया है कि उन्होंने हर एक पहलू से इस केस की जाँच की है और वो सच्चाई सामने ला कर रहेंगे। आपको बता दें, हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की ट्रेजिक डिमाइस को एक महीना पूरा हुआ है और सोशल मीडिया पर अभी भी उनके डिमाइस के पीछे की वजहों पर और पुलिस की जांच पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब इस मामले में फाइनल रिपोर्ट का इंतजार किया जाना चाहिए क्योंकि फैक्ट्स के आधार पर ही इस केस में फाइनल कंक्लूजन पर पहुँचा जा सकता है। मैंने एक मुहिम शुरू की है अपने आप ही सोशल मीडिया पर, जिसका नाम है जस्टिस फॉर सुशांत फोरम। उसमें लाखों लोग जुड़ गए हैं और हम सब की एक यही मांग है कि जो हुआ है और जो दिखाई दे रहा है, जो आंखों को दिखाई दे रहा है, उससे कहीं कुछ ज्यादा प्रतीत होता है। इन अ रीसेंट डेवलपमेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं कि फरहान अख्तर के बंगलों का सिक्योरिटी पर्सनल पैंडेमिक रिलेटेड वायरस से पॉजिटिव पाया गया है। लेकिन शबाना आजमी ने फिलहाल इस न्यूज को कंफर्म कर दिया है कि उनके फैमिली मेंबर्स पॉजिटिव नहीं पाए गए हैं। शबाना आजमी का कहना है, ऑल क्लियर, एवरीवन इंक्लूडिंग जोया इन द हाउस हैज टेस्टेड नेगेटिव फॉर द वायरस। वैसे कल ही बीएमसी के कुछ वर्कर्स को स्पॉट किया गया था उनके बंगलों के बाहर उनके घर को सैनिटाइज करते हुए। आपको बता दें, फरहान का बंगलो रेखा के बंगलो के ठीक बगल में है और इससे पहले रेखा जी के वॉचमैन पॉजिटिव पाया गया था।
वैसे इस डेवलपमेंट से जुड़े एक सोर्स का कहना है, the Akhtar's residence and Rekha's bungalow share the same boundary wall. When Rekha's watchman got the virus, Zoya's watchman got it too. But all is safe inside both the bungalows. Both Rekha and Zoya are doing fine. रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि अपेरेंटली रेखा हैज रिफ्यूज्ड टू गेट टेस्टेड फॉर द वायरस एंड हैजंट अलाउड हर बंगलो टू बी फ्यूमिगेटेड एज वेल। वहीं रेखा जी की मैनेजर ने कहा है कि फिलहाल उनके घर के बाकी लोग और हाउस स्टाफ कोई सिम्टम्स शो नहीं कर रहे, ऐसे में जरूरत पड़ने पर ही उनका टेस्ट किया जाएगा और फिलहाल के लिए सभी सेल्फ क्वारंटीन में है। सोर्सेस के मुताबिक जोया अख्तर अपने घर से फिलहाल अपनी वेब सीरीज मेड इन हेवन के सेकेंड सीजन पर घर से ही काम कर रही हैं। वहीं इन अदर डेवलपमेंट्स, बिग डी और अभिषेक बच्चन का इलाज फिलहाल हॉस्पिटल में ही किया जा रहा है और डॉक्टर्स के मुताबिक दे आर शोइंग साइंस ऑफ रिकवरी। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अभिषेक की रिकवरी जिस हिसाब से हो रही है वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि हॉस्पिटल से घर वो अपने डैड के साथ ही जाएंगे। इस डेंजरस वायरस ने अचानक पूरे बॉलीवुड को अपनी जड़ में ले लिया है और फिलहाल के लिए जरूरी है कि हर कोई ले पूरा प्रिकॉशन। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा का मेलोडियस ट्रैक तारे गिन गिन फाइनली रिलीज हो चुका है और रिलीज के कुछ ही मिनट्स में ये सॉन्ग हर जगह ट्रेंड होने लगा है। एआर रहमान कंपोज्ड इस सॉन्ग को मोहित चौहान और श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज दी है। वहीं इस गाने के लिरिक्स को अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है। इस गाने में किजी और मैनी की केमिस्ट्री साफ देखी जा सकती है और जिस अंदाज में सुशांत संजना को इस गाने में वू करने की कोशिश कर रहे हैं वो है कम्प्लीटली अडोरेबल। सुशांत की को-स्टार संजना सांघी ने इस गाने को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, राइट इन द मिडल ऑफ किजी'स ऑर्डिनरी लाइफ दिस नाइट मेड हर डांस अ लिटिल लिव अ लिटिल एंड लव अ लॉट कम एंड वॉक विद अस इनटू दिस एब्सोल्युटली मैजिकल नाइट। इस गाने की बात करें तो तारे गिन इज अ सॉफ्ट एंड इमोशनल लव बैलड that has a lingering effect on the listener. The music has a certain magical quality that makes you feel hopeful and leaves you in a pensive mood. Isse pehle Sushant Singh Rajput ki film ka title track release hua tha, jo aaj tak social media par top 10 mein trend kar raha hai. Wahin Sushant Singh Rajput ki film Dil Bechara ke trailer ne YouTube par banaya hai record of highest ever likes. इस ट्रेलर को अब तक 75 मिलियन बार देखा जा चुका है, वहीं पर इसे 10 मिलियन से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। बात करें तारे गिन गिन को मिले फैन रिस्पांस की, तो एक यूजर ने इस गाने पर रिएक्ट करते हुए लिखा, सुशांत योर स्माइल इज स्टिल किलिंग मी, व्हाई एम आई नॉट एबल टू एक्सेप्ट ट्रूथ इवन नाउ। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, व्हाट अ डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन, सुशांत प्लस एआर रहमान प्लस मोहित चौहान प्लस श्रेया घोषाल। एक और यूजर ने इस सॉन्ग के लिए लिखा, द मोर आई ट्राई टू फॉरगेट हिम द मोर ही मेक्स मी फॉल फॉर हिमसेल्फ, रियली मिसिंग यू सुशांत सर, मे वट एवर ही बी, मे वेर एवर ही बी, लेट्स प्रे दैट ही स्टेज हैप्पी एंड फाइंड्स पीस देयर, लव सर फॉर ऑलवेज। सुशांत सिंह राजपूत की हर एक याद को फैंस अपने दिल में संजो कर रखना चाहते हैं। यही वजह है कि उनके हर एक सॉन्ग हर एक लुक को मिल रहा है फैंस का जबरदस्त रिस्पॉन्स।
अमिताभ बच्चन शूट रिज्यूम करने की वजह से पड़े बीमार? क्या अभिषेक बच्चन लॉकडाउन के ठीक बाद डबिंग करने की वजह से हुए वायरस का शिकार? क्या टीवी एक्टर पार्थ समथान अपने टेलीविजन शो कसौटी जिंदगी की को रिज्यूम करने की वजह से पाए गए पॉजिटिव? वेल, ये कुछ बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं बॉलीवुड की एक एक्टर ने। इस एक्ट्रेस का कहना है कि फिल्म और टीवी शोज की शूटिंग फिलहाल रोक दी जानी चाहिए क्योंकि एक्टर्स फिल्म सेट पर सबसे ज्यादा खतरे में हैं, क्योंकि क्रू तो पीपीई किट पहन सकते हैं लेकिन एक्टर्स नहीं। बिपाशा ने कहा, ऑल शूट्स शुड स्टॉप टिल द सिचुएशन इज अ लिटिल बेटर। एक्टर्स आर द मोस्ट वल्नरेबल। Most of the unit is protected with PPE, gloves, masks, shields. But actors have to shoot without any protection. It's just plain risky. बिपाशा का ये बयान कई सवाल खड़े करता है। क्या जल्दबाजी में शुरू की जा रही है टीवी शोज और फिल्म की शूटिंग? गवर्नमेंट ने कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर फिल्म प्रोड्यूसर्स को फॉलो करने के लिए कहा है, लेकिन क्या ये इनफ है टू सेव एवरीवन फ्रॉम दिस वायरस? पैंडेमिक के शुरुआत की वजह से सारे फिल्म शूट और टेलीविजन शोज की शूटिंग को रोक दिया गया था। कुछ पोस्ट प्रोडक्शन वर्क्स जरूर कुछ मेंबर्स अपने घर से कर रहे थे, लेकिन अब शूटिंग रिज्यूम होने की वजह से क्रू से लेकर एक्टर्स फिल्म के सेट्स पर जा रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो एक दो नहीं बल्कि कई फिल्म्स की शूटिंग को नेक्स्ट महीने से शुरू करने का फैसला लिया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आलिया भट्ट स्टारर फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के शूट को संजय लीला भंसाली रिज्यूम करने जा रहे हैं। वहीं अभिषेक बच्चन की फिल्म द बिग बुल के मेकर्स भी फिल्म के कुछ बचे हुए पार्ट्स को शूट करने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन अब जबकि अभिषेक बच्चन बीमार हो गए हैं, फिल्म की शूटिंग को कुछ वक्त तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। यही नहीं, रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि सलमान खान अपनी फिल्म राधे की शूटिंग को पूरा करने के लिए बांद्रा के महबूब स्टूडियो को पूरी तरह से बुक करके शूटिंग की प्लानिंग कर रहे हैं। वेल, अब जबकि एक के बाद एक कई एक्टर्स के वायरस से इन्फेक्टेड होने की न्यूज आ चुकी है, ऐसे में देखना होगा एक्टर्स किस तरह के प्रिकॉशंस के साथ शूट को शुरू करते हैं। कपूर इस वक्त कुछ भी करें या कहें, शी इज फेसिंग मैसिव बैकलैश। सोनम कपूर ने फॉर अ गुड रीजन एंड टू अट्रैक्ट आईबॉल्स एक सोशल मीडिया पोस्ट पर रिएक्ट किया। इस पोस्ट में एक फैमिली की हार्ट रेंचिंग स्टोरी को दिखाया गया है एंड सोनम ने इस पोस्ट पर लिखा, हार्ट ब्रेकिंग इफ ट्रू, हाउ कैन समवन नॉट बी मूव्ड बाय दिस। सोनम कपूर ने अपने पोस्ट में साफ लिखा है इफ ट्रू, यानी उन्होंने पोस्ट की ऑथेंटिसिटी को लेकर कोई दावा नहीं किया, लेकिन वो जरूर इस बात से काफी ज्यादा इमोशनल हैं कि अगर ये सच है तो इस परिवार के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऑन अ नॉर्मल पोस्ट लाइक दिस जनरली सेलेब्स को बैकलैश झेलने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन सोनम कपूर जो कि आजकल नेपोटिज्म डिबेट की वजह से निशाने पर हैं, उन्हें जबरदस्त बैकलैश का सामना करना पड़ा। एक यूजर ने लिखा, फ्लॉप एक्ट्रेस ट्राइंग टू क्रिएट डिवाइड, शी हरसेल्फ डजंट नो द ट्रूथ अबाउट दिस केस बट शी रीट्वीटेड जस्ट बिकॉज हेडलाइंस सूट्स हर नैरेटिव। वहीं एक और यूजर ने पोस्ट किया कमेंट ऑन ट्विटर, प्रिटी कूल ना, शोकेसिंग ग्रेटनेस, नो अकाउंटेबिलिटी, यू बॉलीवुड पीपल हैव द हाइट ऑफ हिपोक्रेसी, इफ यू हैव गट्स Please raise voice against system and the government as well. That might be more appreciated by each section of the society. वहीं एक और यूजर ने नास्टी कमेंट करते हुए लिखा,
What do you want to prove by posting this? We all know very well how much you care about these issues. Agar acting achhi hoti, to filmon mein nahi chalti tum. Then why are you acting here? वैसे सोनम कपूर को उनके इस पोस्ट के लिए कुछ लोगों का सपोर्ट भी मिला है जो इस बात से खुश हैं कि इस फैमिली की कहानी सबके सामने आई है। एक यूजर ने लिखा, दिस इज द रियल इंडिया वेयर एवरी डे पुअर पीपल डाई ड्यू टू क्रिमिनल नेग्लिजेंस ऑफ सिस्टम। वेल, सोनम कपूर इज नोन टू बी वोकल सोसाइटी के इश्यूज हो या फिर इंडस्ट्री के, लेकिन उन पर ये भी आरोप लगता रहा है कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू पार्शियल हैं और एक खास आइडियोलॉजी की तरफ वो लीन करती हैं। वैसे सोनम पैंडेमिक के बीच में लंदन रवाना हो गई हैं, जहां वो अपने हस्बैंड आनंद आहूजा के साथ रहेंगी। आपको बता दें, आनंद आहूजा का बिजनेस लंदन में काफी एस्टैब्लिश्ड है और हो सकता है इसी वजह से सोनम लंदन रवाना हुई हैं। दीपिका पादुकोण ने शेयर की अपनी पोस्ट लॉकडाउन बकेट लिस्ट। पैंडेमिक इफेक्ट की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण हस्बैंड रणवीर सिंह के साथ अपने मुंबई के घर में दीपिका है सेल्फ आइसोलेशन में, लेकिन सिचुएशन के नॉर्मल होते ही वो सबसे पहले अपने पेरेंट्स और सिस्टर अनीशा से मिलने जाएंगी बैंगलोर और यही है उनकी पोस्ट लॉकडाउन बकेट लिस्ट। वेल, दीपिका ने अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर किया आस्क मी एनीथिंग सेशन। इस सेशन के दौरान दीपिका के फैंस ने उनसे पूछे कई क्वेश्चंस एंड शी आंसर्ड क्वाइट अ फ्यू कैंडिड क्वेश्चंस अबाउट हर फैमिली। शी वाज आस्क्ड व्हिच इज मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम अमंग दोज शी हैज प्लेड एंड हर आंसर वाज पीकू फ्रॉम द सुजीत सरकार फिल्म विद द सेम नेम। टू द क्वेश्चन एज टू व्हाट वाज हर पेट पीव, शी रिप्लाइड डिसऑनेस्टी। वैसे इस सेशन में जब दीपिका से कॉफी और टी में से किसी एक को चूज करने को कहा गया तो शी सेड बोथ साउथ इंडियन फिल्टर कॉफी एंड द चाय आई मेक। FYI, आई मेक अमेजिंग टी। वेल, दीपिका आल्सो लिस्टेड आउट एंट नो माउंटेन हाई एनफ संग बाय मार्विन गे एंड टैमी टेरल एज हर करंट फेवरेट एंड ऑन हर प्लेलिस्ट। अब दीपिका पादुकोण कितनी टैलेंटेड स्टार है ये सभी जानते हैं, लेकिन इस इंटरेक्शन के दौरान उनके एक फैन ने उनसे पूछा इफ शी हैज एनी वियर्ड टैलेंट्स, टू व्हिच शी रिप्लाइड माय हस्बैंड और सिस्टर वुड बी द बेस्ट पीपल टू आंसर दैट, आई एम श्योर दे हैव क्वाइट अ फ्यू टू शेयर। दीपिका पादुकोण इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है और वो अपनी थ्रोबैक पिक्चर्स और वीडियोस को फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। After Ranveer Singh's birthday last week, she had posted a funny boomerang video of hers and written, "Checking myself out after eating birthday cake all week." यही नहीं, दीपिका ने अपने स्कूल और कॉलेज टाइम की थ्रोबैक पिक्चर को भी सोशल मीडिया पर हाल ही में शेयर किया था, जिसे उनके फैंस ने काफी पसंद भी किया। And she had written, They say look ahead, but ever so often remind yourself about where you've come from and everything it has taken to get to where you are on this incredible journey. वैसे जहां तक दीपिका की अपकमिंग फिल्म की बात करें तो वो रणवीर सिंह के साथ फिल्म 83 में नजर आएंगी। इस फिल्म में जहां रणवीर सिंह कपिल देव के रोल में दिखेंगे, वहीं दीपिका पादुकोण उनकी वाइफ के कैरेक्टर को प्ले करेंगी। जाहिर है दीपिका के फैंस को उनकी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। Up on
ऑन द शो। वाणी कपूर ने एक बार फिर किया अपने पहले को स्टार और लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को याद। वाणी कपूर ने एक बार फिर किया अपने पहले को स्टार लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को याद। सुशांत के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए वाणी ने बताया कि सुशांत बेहद स्वीट और हेल्पफुल थे और जब वो पहली बार उनसे मिली थी तो सुशांत ने वार्मेस्ट स्माइल देकर उन्हें कंफर्टेबल फील करवाया था। वाणी सेड, आई हैड मेट हिम सुशांत सिंह राजपूत फॉर द फर्स्ट टाइम एट YRF। इट वॉज अ रीडिंग सेशन एंड मनीष शर्मा वॉज देयर। I remember walking in and Sushant gave me the warmest smile. You know when you get that comfort feeling about someone, even though you don't know them that well, because they treat you with love and warmth. Sushant was very helpful and sweet. Throughout the film, he was really sweet to me. He was so talented. When I see him in Dil Bechara now, I realize what a good actor he was. That void will always be there for all of us. It makes you feel gloomy when you think of what happened. Sushant was my first co-actor, so that will always be a special memory. आज भले सुशांत इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन कोई भी उन्हें भूल नहीं पाया है। उनकी मुस्कुराहट आज भी उनकी फैमिली और को-स्टार्स को याद है और हमेशा रहेगी। सुशांत के फैंस भी अभी तक उनके जाने के गम से नहीं उबर पाए हैं। और वाणी कपूर के स्टेटमेंट से भी जाहिर है कि उनके पहले को-स्टार लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की यादें हमेशा उनके दिल में एक खास जगह रहेंगी। जब मेरी कश्ती साबितो सलीम थी तो साहिल की तमन्ना किसको थी, अब इस शकिस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे। वैसे जहां तक वाणी कपूर की अपकमिंग फिल्म की बात की जाए तो वो अक्षय कुमार के साथ फिल्म बेल बॉटम में नजर आएंगी। रिपोर्टेडली बेल बॉटम की टीम स्कॉटलैंड में फिल्म की शूटिंग शुरू करेगी, लेकिन पैंडेमिक इफेक्ट की वजह से इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन सस्पेंडेड है। ऐसे में अक्षय कुमार, वाणी कपूर, हुमा कुरेशी, लारा दत्ता एंड अदर्स विल हैव अ प्राइवेट जेट राइड टू रीच द सेट्स। फिल्म के मेकर्स पूरी फिल्म को एक स्केड्यूल में इंग्लैंड में खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं। वैसे अक्षय कुमार के साथ काम करने को लेकर वाणी काफी एक्साइटेड भी हैं। वाणी सेड इन अ स्टेटमेंट, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर अक्षय सर। आई हैव ऑलवेज लुक्ड फॉरवर्ड टू वर्किंग विद हिम। दिस फॉर मी इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बी एसोसिएटेड विद अ मूवी लाइक दिस। अक्षय कुमार हैड अर्लियर शेयर्ड अ फोटो ऑफ द एंटायर बेल बॉटम टीम एंड हैड रिटन अलोंगसाइड लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग व्हाट वी डू बेस्ट। टाइम वी गेट बैक टू वर्क # बेल बॉटम टू गो ऑन फ्लोर्स नेक्स्ट मंथ। वेल, फिल्म बेल बॉटम को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं और सभी को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है।